तो महाराष्ट्र के सियासी संकट पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और फिलहाल इस सियासी संकट का जो एपिसेंटर बन गया है वो है असम के गुवाहाटी का रेडिसन ब्लू होटल, जहां पर शिवसेना की बागी ब्रिगेड के तमाम विधायक इस वक्त उस रेडिसन ब्लू होटल में मौजूद हैं, जिसके चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का कड़ा पहरा है। थोड़ी देर पहले गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंचे ये तमाम बागी विधायक, जहां एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि उनके साथ 40 विधायक हैं और इस वक्त होटल के अंदर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा मौजूद हैं, ये सूत्र बता रहे हैं, खबर निकलकर सामने आ रही है। और उस मल्टीलेयर सिक्योरिटी को भी आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। आज दोपहर 1 बजे उद्धव ठाकरे ने अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई है, इसके अलावा शरद पवार ने भी अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है, सियासत के जानकार ये मानकर चल रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने अपने वापसी के तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं और सारे विधायकों का साथ उनको मिल रहा है, जिस तरीके से उससे लगभग ये तय हो गया है कि उद्धव सरकार का जाना तय है। और ज्यादा जानकारी के साथ सूरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं मुंबई से, हमें अपडेट्स लगातार वो दे रहे हैं। सूरज, क्योंकि गुवाहाटी की तस्वीरें दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन अगर मुंबई की बात करें तो आज कई बैठकें होंगी। एक तरफ जहां कैबिनेट की बैठक होनी है, शरद पवार ने भी अपने विधायकों को बुलाया है, देखना होगा इस बैठक के बाद आखिर क्या निष्कर्ष निकलते हैं। देखिए, पूरी बात यह है कि अब जो महाविकास आघाड़ी के बाकी के दल है वो इस चिंता में है कि अब उनका क्या होगा। इसी सिलसिले में मीटिंग की दौड़ शुरू हो गई है, कांग्रेस की देर रात तक मीटिंग चली, एनसीपी की मीटिंग चली और अब और शिवसेना की भी मीटिंग चली। शिवसेना को भी डर है कि कहीं ना कहीं सत्ता हाथ से चली जाएगी या फिर उन्हें एकनाथ शिंदे की बात को माननी पड़ेगी, और इसी के चलते एकनाथ शिंदे को मनाने की बहुत कोशिश की गई। कल दिन भर मनाने का सिलसिला चलता रहा और जितने अब विधायक शिवसेना के मुंबई में है उन्हें सुरक्षित रखने के लिए आज सेंट रेगिस में, बीती रात सेंट रेगिस में शिफ्ट किया गया था और बताया जाता है कि आज मुंबई के ITC होटल में उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है ताकि उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। तो मीटिंग करने का जो दौर है वो चल रहा है। इसके अलावा आज कैबिनेट की भी मीटिंग होगी जिसमें भी कई चीजों की चर्चा होगी कि कैसे शिंदे को मनाया जाए और क्या पर्याय निकाला जाए, क्या कुछ रणनीति बनाई जाए ताकि सरकार जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है वो बनी रहे। लेकिन जहां तक जिस तरह का माहौल हम देख रहे हैं, जिस तरह के दावे हमें देखने मिल रहे हैं कि एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि उनके पास करीब 40 विधायकों का समर्थन है, ऐसे में अगर ये सारी बातें सही निकलती हैं तो महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए बहुत बड़े खतरे की बात है। इसके अलावा एकनाथ शिंदे को कल विधायक दल के घटक पद से हटा दिया गया था और अजय चौधरी को विधायक दल घटक का प्रमुख बनाया गया था। ऐसे में बीती रात एकनाथ शिंदे ने एक शक्ति प्रदर्शन किया, फोटो अपना एक मीडिया में प्रसारित किया और बताया कि हमारे पास विधायकों की संख्या है और सबने उन्हें और हमारे साथ सूरज लौटूंगी आपके पास। आनंद दुबे, शिवसेना के नेता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद जी, जो तस्वीरें गुवाहाटी से निकलकर सामने आई, एकनाथ शिंदे का दावा 40 विधायक उनके साथ है, आपकी सरकार पर बड़ा संकट। देखिए, ऐसा है कि सरकार को कोई संकट नहीं है। 55 में से जब तक 37 विधायक उनके पास नहीं होंगे वो दल बदल कानून के अंतर्गत ही आएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि 37 विधायक उनके साथ कभी नहीं जाएंगे। वो जो दावा कर रहे हैं, वो जो फोटो में, जो तस्वीरों में विधायक दिख रहे हैं उसमें हम पहचानते हैं, उसमें बहुत सारे विधायक अपक्ष हैं जो कि शिवसेना के सिंबल पर चुनकर नहीं आए हैं और न तो शिवसेना के कोटे के विधायकों में उनको माना जाता है। खैर, ये बात अलग है, लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने में तुली हुई है उसका यह जीता जागता प्रमाण है कि पहले इन्हें गुजरात में रखा जाता है, फिर इनको रातों रात गुवाहाटी इतनी दूर 2500-2600 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र से इन्हें दूर किया जाता है। तो देश की जनता देख रही है कि आज एकनाथ शिंदे जैसे नेता जिनको शिवसेना ने क्या नहीं दिया, क्या पीड़ा रह गई आपको? आप तो अगर मुख्यमंत्री बनना था आप कह सकते थे, वो भी हम। लेकिन आनंद जी, एकनाथ शिंदे तो कह रहे हैं ना कि शिवसेना की विचारधारा से शिवसेना दूर हो चुकी है, वो बाड़ा साहब की विचारधारा पर अभी भी टिके हुए हैं। ये कोई कहने का तरीका होता है क्या कि आप एक
जगह जब चले गए सभी विधायकों को लेकर, तब वहां से बैठ कर आप कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे जी के हम शिवसैनिक हैं, हम हिंदुत्व मानते हैं, हमें बीजेपी के साथ जाना चाहिए, ये सब आज आपको सूझ रहा है? ढाई साल पहले जब मंत्री पद की शपथ ले रहे थे, इतना महत्वपूर्ण विभाग शहरी विकास जो मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं वो आपको दे दिया, तब आपको ये सब नहीं सूझा? आज आप बीजेपी के जाल में फंस कर और हमारे विधायकों को लेकर वहां गए हैं। ठीक है, देश की जनता सब देख रही है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम ऐसे लोकतंत्र में रहते हैं जहाँ तो देखना होगा हालांकि कि क्या कदम अब उठाए जाते हैं एकनाथ शिंदे की तरफ से भी, बीजेपी की भी तरफ से और आपकी पार्टी यानी कि शिवसेना की तरफ से। आनंद दुबे हमारे साथ जुड़े हुए थे, शिवसेना के नेता हैं, कई तरह के गंभीर आरोप उन्होंने एकनाथ शिंदे पर लगाए हैं और साथ ही बीजेपी पर भी निशाना उन्होंने साधा है। पूर्णिया सिटी जानिए, पूर्णिया सिटी हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। आपको पता होगा हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। बाबा ने भेजा है, कम हियर। क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी ABP News, आपको रखे आगे।